अभी ना फाइनली बेबी आ गया, बहुत ज्यादा रामदेव तो पूरी रात जागा, मैं अराउंड 8 घंटे सोई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा थकान भी होती है और बस आ गया तो अच्छी बात है। हम चलो अभी रेस्ट करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको दूध पिलाना, दोना, दूध निकालना, अब सब कुछ काम स्टार्ट हो गया। ये काम सब मेरा। बहुत ही क्यूट है ना, हमको बहुत अच्छा लगा। या कोई कलर है, हम देखो बेबी अभी इसको सीधा एनर्जी आ गई है ना, अभी वो बोल रहे दूध पीना, अब मुझे अभी इसको दूध पिलाना, हम पहली बार इसको दूध पिलाना बहुत हार्ड जॉब होता है, होता ही है, लेकिन इनकी मम्मी करती है, इसको पूरा साफ करती है, हम ह्यूमन में होता है बॉडी टू बॉडी, इससे इनको बहुत अच्छा रहता है आने वाले नई दुनिया में जब ये आते हैं। आ रहा है तुम्हारे पास ही आ रहा है अभी तुम्हारा बेटा, ठीक है। सोच रहा है कहाँ आ गया हूँ मैं, कौन सी नई दुनिया में आ गया हूँ। एक घंटे के अंदर वो खड़ा होकर चलने लगेगा। हाँ अभी फिर दूध पिएगा ना, ना, ना। इतना इतना बड़ी साइज भी नहीं है कि मीरा को इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन लेकिन इसमें टाइम लगा अभी चलो इसको दूध निकालने की सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं 10 मिनट। ये जो हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं ये हमने 2 खिला दिए ऑलरेडी, हम जासूद बोलते हैं इसको गाय को डिलीवरी के बाद, जिससे जो भी पोस्टमार्टम जो भी पार्ट होता है वो जल्दी आ जाता है, जो फाइनल स्टेज होता है वो। और अभी दूध निकालने का टाइम है और बछड़े को दूध पिलाने का टाइम है। कॉटन सीड्स, गुड़, ऑयल एंड बाजरी बॉइल की है। खाना खा रही है, अभी भूख भी लगेगी और फर्स्ट टाइम मिल्किंग का भी काम स्टार्ट होगा। पहले अच्छे से गर्म पानी से इसका पूरा उधर को वॉश कर देते हैं, फिर दूध निकालेंगे, सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ गलती से मीरा का पैर लगा है थोड़ा सा, लास्ट में लगा ये एक आँचल में, आँचल बहुत बड़े होते हैं ना, उसकी वजह से खुद के ही पैर से कट हुआ उसको। ताजी गाय को फर्स्ट टाइम मतलब मिल्किंग कर रहा है, वैसे अच्छा मिल्किंग करता है गीगन, बड़े बड़े हाथ है इसके, कानून से भी बड़े है। बस डोलत ले लिया, महिला ब्यास ले ले मोर थी, अभी इसको दूध पिलाना और पहली बार दूध निकालना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, जो लास्ट टाइम हमने किया था तो पता है इसका। बस मीरा, बस बस मुँह खोलन जा, देख भेड़ी अंदर फूल, हाँ मुँह मजा है। ये सब कुछ इसने लास्ट टाइम किया था, जो एक दो दिन डेफिनेटली करेगी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ हेल्प करने के लिए जाऊँ वहाँ पे, लेकिन अभी ये रिस्की हो रहा है, लेकिन ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे करे तो हो जाए जल्दी। हाँ
थी। अभी थोड़ा सा शांत हुई है और बछड़े को भी अभी इतना नहीं पीने दिया, लेकिन अभी पिलाना पड़ेगा वापस। और ये जो जॉब होता है ना पहली बार का, उसमें बैक पेन होता है, पसीना इतना छूटता है, इतना थका देते हैं ये। अभी बछड़ा भी सोच रहा है कि गीगन दूध मिलेगा यहाँ से पास में से, अभी तुमको भी पिलाना है, लेकिन मम्मी थोड़ी सी शांत हो जाए तुमको पीने दे तो फिर तुमको ही पिलाना है सारा दूध। पहले तो तुम फूल हो जाओ, फिर बचेगा वो हमारे लिए। लेकिन इस बार दूध बहुत ज्यादा है ना मीरा में, ये भी फूल हो जाएगा और हम सब के लिए भी इनफ होगा। अभी फाइनली दूध पीना स्टार्ट किया है। और मीरा की आदत है कि बछड़े को या फिर रामदेव होता है पास में तो रामदेव को हाथ को ऐसे लिक करती रहती है, और अभी इसको दूध भी पिलाना है। अभी सब कुछ साथ में चल रहा है, इसका दूध पिलाना, दूध निकालना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पूरा दूध नहीं निकालना चाहिए, पूरा दूध हम निकालते भी नहीं है, थोड़ा सा रख देते हैं लास्ट में। 2 लीटर रही जाता है, लेकिन दूध फर्स्ट वाला होगा बहुत ज्यादा, तो वो निकालना भी पड़ता है, उसको दूध का भी बुखार आता है और ज्यादा निकालने तब भी ये बीमार। लेकिन ये खाने में इतना पहले से होता ना, तो थोड़ा सा ही रखेंगे फिर भी इसको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। ये पूरे साल दूध तो पिलाएगी, लेकिन पहले अभी पूरे साल की एनर्जी निकाल लेगी दूध पीने से पहले। क्योंकि बेबी को भी कुछ नहीं पता होता इस टाइम पे। आभा यहीं पे है तब से देख रही है इसको। आभा जैसा नहीं कलर आया ना इसका, अलग है पूरा, इसके बाप के जैसा है। रेड है और रेड कमरा है, मतलब रेड कमरा बोलते हैं। लेकिन कंफर्मेशन बहुत अच्छा निकलेगा इसका जब बड़ा होगा। तो अभी के लिए दूध निकाल लिया है, अभी मीरा को खाना और पानी सब कुछ मिलेगा और बाद में क्लीनिंग स्टार्ट हो गई यहाँ का। जो लास्ट पार्ट होता है वो भी अभी स्टार्ट हो गया है, तो जल्द ही वो भी निकल जाएगा, तो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा पूरा। फिर अभी पानी खाना सब कुछ होगा। तो ओम अभी कर रहा है अपना होमवर्क, हमने खाना खा लिया सबने, क्योंकि 1 बजे है दोपहर के और कल से ऐसे ये पूरी रात। और बस अभी मुझे तो सो जाना है थोड़ी देर के लिए, हमने भी बोला था कि अभी आराम कर लो। और मीरा अभी आराम कर रही है और यहाँ पे है हमारा छोटू भाई जो भी बैठा है यहाँ पे। अभी मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर मीरा को नहीं अच्छा लगेगा, तो अभी रेस्ट कर रही है। तो अभी इसको नहलाएंगे, सब कुछ करेंगे लेटर ऑन। हाँ अभी मुझे भी रेस्ट करने जाना है। और रामदेव गया गाँव में कुछ काम से, तो वो आ जाएगा तो रामदेव भी रेस्ट करेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो काम है वो ख़त्म कर ले और तुम यहाँ पे रेस्ट कर लो, यहाँ पे तुम्हारी चारपाई लेके सो जाओ मीरा के पास। अभी बेबी के कपड़े हैं, बाद में मैं अभी सेटअप करूंगी पूरा, अभी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और पैरों में बहुत ज़्यादा अभी सूजन दिख रही होगी आप लोगों को भी, तो इसको मैंने फटकड़ी और सॉल्टेड वाटर में, होम वाटर में भिगो के रखा था, लेकिन कल अच्छे से रेस्ट नहीं हुआ इसकी वजह से ये ज़्यादा सूजन आ गई है, लेकिन होपफुली ठीक हो जाएगा इवनिंग तक। अभी 6 बजे है, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि कल की थकान थी, बहुत थक गए थे। और अभी ना इसका कलर पूरा अलग लग रहा है पहले से। ओम बोल रहा है कि माया था अभी ऑलरेडी खेल लिया, तो मीरा को भी दिखाते हैं। और झरने में से पड़ेगा बस मीरा भी बिल्कुल ठीक है, अभी नहलाया नहीं आज, लेकिन अभी कल नहलाएंगे, ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे। हम क्या करते हैं कि इसको नहला के ऑयल लगा देते ताकि उसको मक्खियाँ परेशान ना करें, लेकिन कम है ये। हाँ ये पूरा नीचे का क्लीन कर देंगे, और क्लीन कर दिया है नीचे का पूरा, ऑलरेडी वॉश कर दिया है। और खाना भी अभी इसको अलग अलग वेराइटी मिलेगी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों माँ बेटे वहाँ पे, और आप यहाँ देख रही है यहाँ कब से की नहीं, मेरा छोटा भाई आ गया, अभी मम्मी उसको प्यार देगी, उसको दूध पिलाएगी, ऐसे कर रहे हो अबा। मीरा
अब इवनिंग को दूध निकालना होगा, वापस उसको पिलाना होगा, जो थोड़ी सी ज्यादा लंबी प्रोसेस होगी, मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा ही होगा, जब आभा का जन्म हुआ था, मैंने जब दूध निकाला था कितनी लाते मार रही थी, उसके हिसाब से ये साल बहुत ही शांत है और एक दो दिन में सेट हो जाएगी मीरा अच्छे से अपने बेबी के साथ। चलो अभी आपको बेबी दिखाते हैं।